गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एंड आज है सैटरडे, सो हैप्पी वीकेंड टू ऑल। एंड आज एज यूजुअल सैटरडे का ऑलरेडी प्लान बन चुका है और अब हम जा रहे हैं कहीं घूमने और मतलब एक गेट टुगेदर में जा रहे हैं एक्चुअली हम। तो वहां पे लंच वंच होगा और इंजॉय करेंगे क्योंकि आज मेरा फेवरेट चाइल्ड जैस का बर्थडे है और जैस से आप लोग मिल चुके हो शुक्र दाल वाले वीडियो में। तो वो मेरा भाई का बेटा है जो बहुत बहुत प्यारा है मेरे लिए। तो आज जैस का बर्थडे है, मतलब बर्थडे हो चुका था लास्ट वीक क्योंकि हम वैष्णो देवी गए हुए थे तो हम नहीं जा पाए थे उसके बर्थडे में। तो आज मेरे भाई ने एक गेट टुगेदर प्लान किया है तो हम जा रहे हैं कहीं पे गुड़गांव लंच के लिए सब मिलके। तो इन द मीन वाइल हमें और दो तीन काम है क्योंकि हमारी कार को सर्विसिंग के लिए दिया हुआ था। तो पहले हमारा ये प्लान था कि मैं और लवेश छोटी वाली कार में, मतलब मेरी वाली कार में जाएंगे एंड वाइल कमिंग बैक लवेश अपनी कार पे आ जाएगा और मैं अपनी कार में आ जाऊंगी। पर प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया क्योंकि हमने जैस के लिए कुछ लिया नहीं, अब तक कोई गिफ्ट नहीं खरीदा, तो इसलिए हम एक साथ रेडी होके निकलेंगे और वहीं से गाड़ी पिक करेंगे। मतलब हम ओला या उबर करके चले जाएंगे और वहीं से गाड़ी पिक करेंगे, गाड़ी पिक करके जैस के लिए कुछ गिफ्ट खरीदेंगे और वहीं से सीधे निकल जाएंगे हम। ठीक है, तो अब मैं फटाफट हो जाती हूँ तैयार। आज ब्रेकफास्ट मेरा बन चुका है तो फटाफट हो जाते हैं तैयार और फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से तैयार होने के बाद। तो मेरा सैंडविच एंड चाय रेडी हो गया, हम फटाफट खाते हैं और खा के फिर फटाफट तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लान में थोड़ा सा चेंज हुआ, हमें कैब नहीं मिल रही थी और सर्विस सेंटर तक जाने के लिए, तो अभी हमारा फ्रेंड है जो हमें वहाँ तक ड्रॉप कर देगा तो हम उसकी गाड़ी में चले जाएंगे और फिर वो वापस आ जाएगा और हम अपनी गाड़ी लेके निकल जाएंगे। ये है हमारा फ्रेंड जो हमें ड्रॉप करेगा। डेंट आ गया था, सेवन में कर गए थे, मैं गया था, मेरे पापा और मेरी मम्मी। तो फ्रेंड्स, हमारी गाड़ी हो गई है तैयार और एकदम चमचमाती गाड़ी तैयार कर दिया। इसमें लेग्स नहीं रखेंगे तो कैसे बैठेंगे? अंकल ने मना किया। अच्छा, ओके, ठीक है, चलो गो बैक अथर। तो फ्रेंड्स, गाड़ी हो गया है तैयार तो हम अभी निकल रहे हैं। ठीक है, हमने चेक कर लिया, सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है, तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। तो हम जल्दी जल्दी चलते हैं और जल्दी जल्दी पहुँचते हैं भाई, जल्दी जल्दी मम्मा पहुंचते। तो फ्रेंड्स, हमने ले लिया है जैस के लिए गिफ्ट और देखो अथर क्या कर रहा है पीछे बैठ के। ये वैसे। हाँ, अथर को ये छोटू सा गिफ्ट मिला है क्योंकि अथर रोज अपने लिए कुछ ना कुछ टॉय खरीदते रहता है तो इसीलिए छोटा सा गिफ्ट मिला है उसको। तो हमने ले लिया है जैस के लिए गिफ्ट और हम हो गए काफी लेट, तो अब हम जल्दी जल्दी निकल गए हैं कि जितना जल्दी हो सके हम पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से दिखा रहा है करीबन एक घंटा दिखा रहा है यहाँ से, तो होपफुली एक घंटा या थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाएंगे हम। तो चलते हैं जल्दी जल्दी। पर हम पार्किंग के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पार्किंग है नहीं और अथर्व और मम्मा को लगी बहुत तेज भूख। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ खाना खाने आए हैं श्रीराम ढाबा, ये गुड़गांव में ही है, सेक्टर 49 में। और इनका देखो इंटीरियर बहुत अच्छा है और ये पूरा एकदम बहुत अच्छे से बना हुआ है, तो ये एकदम इंडियन ट्रेडिशन के साथ बना हुआ है। ये लैम्प देखो, मतलब एक एंशियंट का इंडियन ट्रेडिशन का फीलिंग दे रहा है अंदर। तो ये रोड साइड में ही है, कभी आना हो तो आना, मतलब अच्छा है, खाना भी इनका अच्छा है और अंदर का सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह काफी अच्छा है इनका। तो फ्रेंड्स, एक मजे की बात हुई, हमने जैस के लिए साइकिल लिया था, ये देखो जैस, तो हमने जैस के लिए साइकिल लिया था
पर प्रॉब्लम ये हुआ कि जेस के पास ऑलरेडी एक साइकिल नया आ गया था, तो जिसके वजह से हमने सोचा जेस को हम कुछ और दे देते हैं और इसी साइकिल को एक्सचेंज करके हम अथर्व के लिए एक बड़ी वाली साइकिल ले लेते हैं, क्योंकि इनके शॉप में और साइकिल के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जस्ट साइकिल वाली शॉप है और इसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो इसीलिए हमने सोचा हम एक्सचेंज करके अथर्व के लिए बड़ी साइकिल ले लेते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिनों में हमें अथर्व के लिए साइकिल लेना ही था, तो इसलिए हम एक्सचेंज करके अथर्व के लिए ले रहे हैं और जेस के लिए हम कुछ और चीज़ खरीदेंगे। तो अब हम साइकिल के शॉप में चेक कर रहे हैं कि कौन सा साइकिल अच्छा है, कौन सा अथर्व के लिए सही है, तो फाइनल करके फिर साइकिल ले ही लेते हैं अथर्व के लिए। अथर्व आपको पसंद नहीं है साइकिल? आराम से नहीं एक काम करो भैया, आगे ना नीली गाड़ी खड़ी है, उसमें से पीछे साइकिल निकाल दो, आपने पहले रखवाई थी ना, वो निकाल लेना, ये दो। निकालनी है? हाँ। वो बदलनी है? वो उसके लिए चाहिए थी, उसने मना कर दिया। अथर्व ये ऑरेंज या ब्लू, सॉरी ग्रीन? ग्रीन। और बड़ी लेनी है या ये काफी है? इसका ये कवर नहीं होगा? तो फ्रेंड्स हमने कर लिया है साइकिल फाइनल और ये देखो पीछे साइकिल रखी हुई है अथर्व की, मुझे बहुत अच्छी लगी है। हाँ, जो अथर्व को बहुत अच्छी लगी है। अब अथर्व और जेस खा रहे चिप्स। मेरे पास तीन तीन चीज है, वो एक्चुअली कवर लिया था मैंने तो उसके तो हमने आज घूमी घूमी भी किया, हमने खाना खाया जेस के बर्थडे का और फिर अभी हमने जेस के साथ शॉपिंग भी किया और अब हम जा रहे हैं घर और घर जाके थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करेंगे हम, है ना जेस? हाँ। जेस एक बार देखोगे क्या? जेस, जेस ये है जेस, बुआ का फेवरेट बच्चा ये, जो हम सुबह वीडियो में बोल रही थी मम्मा। तो चलो फ्रेंड्स हम घर जाते हैं, घर जाके मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड्स आज अथर्व को ये वाला टॉय मिला है जो हम लोगों में बहुत लोगों ने शायद बचपन में खेला है, मैंने तो बहुत खेला है और हमेशा रोती थी जब भी मार्केट जाती थी और ये मुझे दिखता था तो माँ के पीछे बहुत रोती थी कि मुझे ये दिला दो ये दिला दो, और उसको बैंगल की तरह पहन के घूमा करती थी और इसको लेके बहुत खेलती थी। अरे यार उतर जा, रुको वो दिखाता हूँ मैं। हाथ में ही पहन लूंगा तो ये अथर्व ने पहन लिया बैंगल गर्ल के तरह, गर्ल बन गया ऐसे मम्मा पहनती थी है ना? तो ऐसे पहनती थी और पूरे दिन इसको पहन के खेला करती थी मैं, तो आज ये देख के बचपन याद आ गया। तो फ्रेंड्स आज हमने कर लिया बहुत सारा मस्ती, बहुत सारा घूमना फिरना, काफी तीन चार इम्पोर्टेंट काम भी किया है हमने, जैसे अथर्व का साइकिल लेना जो मैं आपको कल वीडियो में दिखा दूंगा वो नीचे, इसलिए आपको मैं कुछ दिखा नहीं पाता जो चीज हमने नीचे खड़ी करते है। हाँ। जैसे हमारी कार है, हमारा स्कूटी है, मेरी साइकिल है। हाँ। वो सब हम दिखा नहीं पाते वीडियो में, तब कार के अंदर का दिखा देते, कार को पूरा दिखा दे, सीट दिखा पाते और डिक्की। यस। तो फ्रेंड्स अब हो गई बहुत मस्ती, बहुत थक गए हैं, अभी काफी नींद आ रही है, अब कुछ नींद आ रही, तो अब सोने चलते हैं हम। अथर्व ने कर लिया है डिनर और मुझे कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है क्योंकि हमने लंच बहुत लेट किया था, अराउंड 4:35। आपने तो कुछ खाया नहीं था ना वहाँ पे, एक ही स्लाइस नान खाया था आपने, तो मुझे क्यों खिलाया पहले बताते ना। अरे मम्मा भी खा लेगी अभी। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड और मिलते हैं आप लोगों के साथ एक न्यू ब्लॉग में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखे, खुश रहे, अच्छे रहे, स्वस्थ रहे और आप लोगों को पता है सॉल्यूशंस बोल रहे।
कॉन्ग्रेट्स और अथर्व को कॉन्ग्रेट्स कर देना नई साइकिल के लिए कमेंट करके प्लीज, और मिलेंगे आपसे कल न्यू ब्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, प्लीज 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 गाइस सब्सक्राइब कर देना, आप लोग देखते हो और चले जाते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अब देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, अब सब्सक्राइब करो वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा, वीडियो में भी नहीं आऊंगा, ठीक है, चलो गुड नाइट, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, बाय बाय.